हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें 4.73% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 6305.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में। फिलहाल जो हम वन आर के चार्ट में बात करेंगे लेकिन वन डे के चार्ट में हम बात करेंगे आने वाले दिनों के लिए। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली कैंडल यहाँ पे मीडियम से इसकी कैंडल बनी और दोनों साइड में हमें जो है विक देखने मिल रही है। बात करूंगे मैं आरएसआई की, आरएसआई 44 के आसपास जो हमें आ चुका है। फिलहाल यहाँ पे जरूर जो है आरएसआई स्लाइट एक पॉजिटिव मोमेंट का जो हमें इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोर इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है हमें जो है फिलहाल नेगेटिव जाते हुए देखने मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कहाँ पे जो है हमें एक रेजिस्टेंस जो है फेस होने वाला है। 6400 तक स्टॉक हमें जरूर अपसाइड जो है जा सकता है लेकिन वहां से उसके बाद जो है नीचे हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बता दूं नीचे अगर यहाँ पे गिरा तो 5960 तक हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। अगर उसको भी क्रॉस किया तो ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे 5700 तक भी स्टॉक हमें आते हुए देखने मिलने वाला है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा भी स्टॉक में कॉशियसली काम करें। और यहाँ पे करंटली मैं आपको बता दूँ स्टॉक में जो ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। 20 EMA जो अभी भी 50 EMA के नीचे जो चल रहा है जो स्टॉक के ट्रेंड को यहाँ पे जो नेगेटिव करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा जब स्टॉक में कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे जो है आपको जब तक जो है यहाँ पे कोई पॉजिटिव मूवमेंट का जो यहाँ पे इशारा ना हो तब तक बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड ना करें। करेंटली अपसाइड के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी ना करें। 100 पॉइंट जरूर यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट जो है हमें देखने मिल सकता है लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो हम जो है ट्रेंड को फॉलो करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक का ट्रेंड जो है नेगेटिव है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर जो है ग्रैब करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे बात करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क्ड है। यहाँ पे मैं कुछ एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देता हूँ डेटा के बेसिस पे लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए कल के लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर लिया ताकि कभी अगर स्टॉक जो उस रेंज तक आए तो हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा हो। यहाँ पे क्लोजिंग की अब सीधी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे यहाँ पे मार्क ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आप देख सकते हैं 6305 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 6257 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 6339 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें कल के दिन। यहाँ पे आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको जो अपना यहाँ पे
कंफर्मेशन कैंडल देखना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं, आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 6152 का, उसके बाद क्या आता है 6047 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 6444 का, उसके बाद क्या आता है 6533 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे आप अपना कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में कल के लिए यहाँ पे जरूर जो है वो जो है नेगेटिव साइड का जो बन रहा है, मतलब स्टॉक हमें गिरते हुए देखने मिलने वाला है। कहाँ तक गिरते हुए देखने मिलने, उससे पहले मैं आपको बता दूँ स्टॉक में स्लाइट पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, लेकिन स्टॉक में जैसी ओपनिंग होगी फिर हमें गिरते हुए स्टॉक जो देखने मिलने वाला, तो थोड़ा सा भी स्टॉक में कॉशियसली काम करें। 6152 से लेकर 6257 के बीच में मुझे लगता है कल के दिन स्टॉक में हमें जो है इस बीच में क्लोजिंग जो है देखने मिलने वाली है, और नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिलने वाली है कल के दिन इस स्टॉक में। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।